हेलो हेलो जी, आकाश शर्मा बात कर रहा हूँ, राजस्थान में भोपाल से। क्या मेरी बात बलीराम से हो रही है जी हाँ जी? आपके स्कूल में कितने बच्चों की मैपिंग हुई है टोटल? 45 47 47 बच्चों की। प्रभारी कौन है आपके यहाँ पर? हाँ सर, प्रभारी आप ही हैं बलीराम जी? जी जी बलीराम सोलंकी। कहाँ पर हैं अभी आप? मैं ट्रेनिंग में हूँ सर, प्रशिक्षण में आप अभी? जी आपके यहाँ पर शोर हो रहा है, कृपया बाहर आ सकते हैं थोड़ा? जी हाँ आ रहा हूँ सर। हाँ सर जी, हाँ जी जी आपके यहाँ पर टोटल बच्चों की कितनों की मैपिंग हुई है? सर 53 है, उसमें से 4 बच्चे शेष है। 4 बच्चे शेष हैं जी, तो 49। पहली कक्षा में कितने बच्चे हैं? पहली कक्षा में 13 13 बच्चे हैं जी। टोटल बच्चों की मैपिंग हो गई 13 की? 13 में 4 शेष है सर। 4 शेष हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है पूरे? जी जी ओके। आपका बजट क्या आया था 23-24 की? बजट राशि क्या आई थी? सर ये तो मेरे को पता ही नहीं है। क्यों, आप प्रभारी हैं, आपको जानकारी नहीं है कितना बजट आया था स्कूल का? स्कूल का बजट तो पूछना पड़ेगा सर, मेरे को देखना पड़ेगा। क्यों आपको मालूम नहीं है? 25, हाँ 25,000 आया था। हाँ जी, आपने 25,000 में क्या क्या काम करवाया है? सर स्कूल की पुताई कराई जी, और गिट्टी विट्टी बिछवाई वहाँ पे, वो ग्राउंड में सब पानी भर जाता था जी, और रिपेयरिंग का कार्य किया जी, और पुस्तकें वगैरह जो स्टेशनरी थी सर जी 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 वो भी लाए। आपने अपना कैशबुक ऑडिट करा लिया? नहीं कराया अभी तक के? अभी अभी नहीं कराया सर। क्यों नहीं कराया अभी तक के आपने? आपके समक्ष कंप्लेन दर्ज हुआ है कि जो भी स्कूल की बजट की राशि आ रही है वो प्रभारी द्वारा गमन किया जा रहा है, इसमें कोई स्कूल में विकास में नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है? तो हमने आपके BRC से जानकारी मांगी, वहाँ पर आपका कैशबुक ऑडिट भी नहीं है, तो वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, इसकी जाँच आई हुई है, तो आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया अभी तक के? सर मैं एक ने जब बीमार था सर, और प्रभारी प्रभारी सर दूसरे थे, दूसरे सर में था अकेला, पर दूसरे की व्यवस्था कर दी गई थी जी। तो अभी तो प्रभारी आप ही है ना, कंप्लेंट तो आपके ऊपर आई है, तो अभी आप कौन सी जांच करवाना चाह रहे हैं, सस्पेंडिंग या सिक्योरिटी वेरिफिकेशन? नहीं सर, अब उस फिर वेरिफिकेशन करा लूंगा ना सर जी। सर देखिए, सस्पेंडिंग जांच में आपको पहले सस्पेंड किया जाएगा, फिर जांच होगी। जांच में यदि आपके सही है, आपका बिल पूरे आपके पास उपलब्ध है, तो फिर आपको इसी स्कूल में ज्वाइनिंग मिलेगी। यदि आपके पास पूरे बिल नहीं है, तो फिर आपको BRC संकुल में अटैच रखा जाएगा जी सर। और यदि आप सिक्योरिटी जाँच कराएंगे, तो इसमें आपका यानी 50% का बजट आपका सिक्योरिटी में जमा होगा। जैसे कि 25,000 बजट आया था, उसमें से आपका आधा बजट 12,500 रुपये की राशि आपकी सिक्योरिटी में जमा कराई जाएगी। इसमें आप सस्पेंड नहीं होंगे, ऑन ड्यूटी में जांच होगी। जांच में यदि आपके पास पूरे बिल हैं, तो फिर ये वापस आपके सैलरी अकाउंट में राशि वापस आ जाएगी सिक्योरिटी वाली। यदि आप गलत पाए गए, आपके पास बिल नहीं है, तो फिर राशि नहीं मिलेगी आपको। जिसमें करा लूंगा सर कैशबुक आप जी, सिक्योरिटी वाली जांच कराना चाह रहे हैं आप? सर अभी अपडेट नहीं होगी, अब तो जांच के बाद ही अपडेट होगी, क्योंकि कंप्लेंट वेरीफाई हो गया है, तो जांच आएगी जी। हाँ क्या क्या, हाँ तो आप सस्पेंडिंग जांच करवाना चाह रहे हैं या फिर सिक्योरिटी जमा करके सिक्योरिटी जांच कराना चाह रहे हैं? ये मेरे दोनों समझ नहीं पा रहा हूँ सर बराबर। देखिए सस्पेंडिंग जांच में आपको पहले सस्पेंड किया जाएगा, फिर जांच होगी। 2 महीने का समय है, CM हेल्थ प्लान की टीम द्वारा जाँच होगी है, ठीक है? इसमें यदि आप गलत पाए गए, तो आपको पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर जांच होगी। जांच में यदि आप सही आ गए, तो आपको दोबारा से इसी स्कूल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि गलत पाए गए, तो फिर आपके कुछ एग्रीमेंट डाउन कर दिए जाएंगे, इसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको। एक और दूसरा, और दूसरा है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपका 50% का बजट जमा होगा, इसके बाद आपकी जांच होगी। आप ऑन ड्यूटी रहेंगे, उसी स्कूल में पदस्थ रहेंगे जहाँ पर हैं अभी आप, ठीक है? इसमें यदि आप सही आते हैं, तो आपके जो आप जमा करते हैं बजट, वो आपके सैलरी अकाउंट में वापस आ जाता है। यदि आप गलत पाए गए, तो वो आपको वापस नहीं मिलता है फिर जी। सर जी, तो कौन सी जाँच करवाना चाह रहे हैं, सस्पेंडिंग या सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी वाली जाँच करवाना चाह रहे हैं, ठीक है सर। हम आपकी सिक्योरिटी जांच वेरीफाई कर देते हैं। क्या अभी आप 12:30 बजे तक BO कार्यालय आ सकते हैं सर, आधे घंटे में जमा करने के लिए अपना बजट? यही तो BRC कार्यालय में ही प्रशिक्षण ले रहा हूँ। नहीं, BO कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट BO कार्यालय? नहीं सर, नहीं आ पाऊंगा। तो सर फिर आप कैसे जमा करेंगे अपना बजट, यानी 50% का? वहाँ BO कार्यालय, यहाँ BO, गोगांव BO कार्यालय? BO कार्यालय में जमा नहीं होता सर, आपको डिस्ट्रिक्ट BO में आना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट BO में? डिस्ट्रिक्ट BO मतलब डिस्ट्रिक्ट BO यानी खरगोन आना पड़ेगा आपको। खरगोन आना पड़ेगा जी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट BO।
हेड ऑफिस है, वहाँ जमा करना पड़ेगा आपको बजट। आप आ सकते हैं 12:30 बजे तक सर? नहीं सर, मैं यहाँ ट्रेनिंग में, संडे भी ट्रेनिंग, छुट्टी भी है सर। जी जी, तो क्या करो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, तो मैं आपका अभी ऑनलाइन जमा करा देता हूँ सर। सर अभी मैं जरा प्रशिक्षण ले लूँ और मेरे बीआरसी सर को नीचे जरा बात कर लेता हूँ। सर देखिए, फिर हम आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, आप ऑनलाइन जमा कर दीजिए क्योंकि आपका कैशबुक अपडेट नहीं है सर। सर मेरे को बात करने का मौका दो सर। जी मेरे को बात करने का मौका दो सर, यहाँ बिल्कुल कार्यालय में हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी समझ पा रहा हूँ, आपका कैशबुक अपडेट नहीं है सर, ठीक है? नहीं जी, अरे मैं अभी साहब से बात करके बताता हूँ ना सर आपको। माफ़ी चाहते हैं सर, मैं आपका ऑनलाइन जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 12:30 बजे के बाद आपका बीओ कार्यालय से जमा नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट से, फिर आप सस्पेंडिंग जांच ही करा पाएंगे। हेलो, हाँ हाँ जी, बलिराम जी कृपया जानकारी दीजिएगा। नहीं सर अभी तो एक ही नहीं, मैं सर के पास, अब सर के पास मैं जा रहा हूँ सर, 2 मिनट है नहीं? नहीं, मेरी जानकारी सुनिए पहले आप। हाँ, आपका डाइस कोड है 2327100402, हाँ यही है ना? हाँ जी, तो बलिराम जी, मैं आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन अपडेट करनी पड़ेगी, तो जिसमें आपकी सस्पेंडिंग जांच वेरीफाई कर देते हैं, ओके? आपका यूनिक आईडी यही है AO8187, हाँ यही है ना आपका यूनिक आईडी? हाँ, सर वहाँ पर शोर हो रहा है, एकांत जगह पे आके बात कीजिए आप। हाँ हेलो, हाँ हाँ मैं सुनसान जगह पे हूँ, बाहर आके बात कीजिए आप, अंदर मत जाइएगा अभी। हाँ हाँ जी ठीक है, तो आपकी सस्पेंडिंग जांच वेरीफाई कर दी जाए या फिर आप जमा कर पाएंगे अपना बजट? नहीं मैं बजट आप भी नहीं जमा कर सकता ना सर, मेरे पास पैसे भी तो होना चाहिए बजट जमा करने के लिए। जी, और जब मैंने सामग्री ले ली है उसकी जांच करा लो। जी जी, तो इसकी जांच सस्पेंडिंग जांच होगी जिसमें आपको 2 महीने के लिए पहले सस्पेंड किया जाएगा। हाँ जी सर, ओके ओके। जी